से नमस्कार। कोविड-19 एक वैश्विक महामारी है और इस महामारी ने कई देशों में विकराल रूप लिए हुए हैं, परंतु अच्छे संजोग कहिए या अपने देश में सांस्कृतिक विविधता होने के बाद भी अपने देश की एकता और अखंडता के पीछे हमारे देश में मान्यताएं हैं और हमारे देश के संस्कार हैं, और इन्हीं मान्यताओं और संस्कार के आधार पर हम आत्मसंयम रखते हैं, जिस कारण इसका प्रसार बहुत कम अब तक हुआ है। परंतु इस महामारी से बचने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन की घोषणा की है, इसलिए हमें उनकी बात को पूरी तरह से मानते हुए हमें घर के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग के अधीन रहना चाहिए। साथ ही साथ एक शिक्षक होने के नाते हम ये कहना चाहेंगे कि आज वर्तमान में तकनीक का ज़माना है और इस आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए विद्यार्थी घर में बैठे हुए अपनी पढ़ाई निरंतर करते रहें, ताकि उनकी पढ़ाई निरंतर चलती रहे और इस लॉकडाउन का विद्यार्थियों के कैरियर पर कोई असर न आए। धन्यवाद। पिछले दिनों क्लास में 12 के बच्चों को संधारित्र बताया था और इसका वर्गीकरण बताया था, परंतु उनके एक एक भाग को हम विश्लेषण नहीं कर सके थे। आज हम चाहेंगे कि उसके एक भाग का विश्लेषण आज करें। आज का विषय है संधारित्र, कैपेसिटर, जबकि इसका मैकेनिकल नाम कंडेंसर भी है। जब किसी आंकिक प्रश्न को लिखने वाले किसी लेखक जैसे एम करीम, एच सी वर्मा, सतलीन मेहरोत्रा की किताब देखेंगे तो यही कैपेसिटर कंडेंसर के रूप में उन्होंने लिखा है, ग्रुपिंग ऑफ कंडेंसर। खैर, इस बात की चर्चा आज हमें नहीं करनी है, हमें ये बताना है कि संधारित्र आखिर है क्या। तो पहला प्रश्न ये बनता है कि जैसे आपके यहां आपके घर में चावल अगर रखना होता है तो उसको एक पात्र में रखते हैं, या घर में टोकरी है उस टोकरी में रखते हैं, लेकिन आपको द्रव अगर रखना होगा तो उस टोकरी में नहीं रख सकते, बल्कि उसे रखने के लिए बाल्टी की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार से अगर गैस को रखना होगा तो गैस को रखने के लिए बाल्टी में नहीं रख सकते, इसे रखने के लिए एक विशेष आकृति की आवश्यकता होती है, एक विशेष पात्र की आवश्यकता होती है, जिसको सिलेंडर, जो घरों में प्रयुक्त है, सिलेंडर के रूप में गैस को रखते हैं। तो अब सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि सिलेंडर गैस रखने का पात्र है, बाल्टी पानी रखने का पात्र है, टोकरी ठोस या क्रिस्टल को रखने का पात्र है, परंतु आवेश को रखने का पात्र न तो सिलेंडर है, न टोकरी है, न बाल्टी है, बल्कि इसका संचय करने के लिए जिस पात्र का प्रयोग करते हैं उस पात्र को ही संधारित्र कहते हैं। यानी संधारित्र वह विद्युतीय युक्ति है जिसमें आवेश का संचय किया जाता है। कंडेंसर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच स्टोर्स चार्ज। इसको अगर सांकेतिक रूप में हम लेते हैं तो फिजिक्स के अधीन इसका सिंबल हम ये प्रयोग करते हैं, परंतु इस संकेत को बताते हुए मुझे एक बात और बतानी है यहां कि अगर ये दोनों एक्सिस बराबर नहीं है तो ये कंडेंसर को निरूपित नहीं करेगा। इसलिए यहां अगर चेतावनी के तौर पर हम लिख दें, सावधानी के तौर पर लिख दें कि अगर ऐसा दे दिया तो ये कंडेंसर न हो करके बल्कि एक सेल है, विद्युत सेल है, विद्युत सेल, बैटरी से नहीं कहेंगे, विद्युत सेल, क्योंकि बैटरी इज द ग्रुपिंग ऑफ सेल, यानी जब सेलों को समानांतर और श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तब बैटरी प्राप्त होती है, इसलिए इसको विद्युत बैटरी आप नहीं बोल सकते, ये विद्युत सेल है और यह संधारित्र है। अब संधारित्र की परिभाषा जानने के बाद संधारित्र का वर्गीकरण बताएं। संधारित्र के प्रकार,
संधारित्र के प्रकार, जैसे संज्ञा को अगर डिवाइड किया जाता है तो पांच भाग में बांटा जाता है, यानी अंग्रेजी वाले लोग इस बात को जानते हैं कि उसको पांच भागों में बांटने का आधार क्या है। ठीक उसी तरह संधारित्र को तीन भागों में बांटते हैं, परंतु ये मुझे पता है कि इसका आधार क्या है, क्योंकि संधारित्रों का वर्गीकरण उसकी आकृति के आधार पर ही की जाती है। जैसे इसका पहला होता है समानांतर प्लेट संधारित्र, समानांतर प्लेट संधारित्र, समानांतर प्लेट संधारित्र, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे पैरेलल प्लेट कंडेंसर, पैरेलल प्लेट कंडेंसर। दूसरा हो जाएगा गोल गोलाकार या गोलीय, जो आपकी इच्छा, स्फेरिकल गोलीय संधारित्र, यानी स्फेरिकल कंडेंसर। और तीसरा होता है बेलनाकार संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र, यानी आप ये स्पष्ट हो गया होगा कि समानांतर प्लेट संधारित्र, अब इसकी परिभाषा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बल्कि समानांतर प्लेट संधारित्र का अर्थ हुआ कि वह संधारित्र जिनके धनात्मक और ऋणात्मक प्लेट समानांतर क्रम में व्यवस्थित होते हैं वो समानांतर प्लेट संधारित्र कहलाते हैं, जबकि गोलीय संधारित्र जिसकी आकृति गोलाकार है, यानी दो गोलीय पृष्ठों से बना होता है जिसमें एक धनावेशित और एक ऋणावेशित होता है, परंतु इनके पृष्ठों का बनावट गोलीय होता है, इसलिए इसे गोलीय संधारित्र कहते हैं। जबकि बेलनाकार संधारित्र का मतलब हुआ कि जिनके प्लेटों की आकृति बेलनाकार हो, यानी इसकी परिभाषा याद करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसके शब्दों के आधार पर ही इसकी परिभाषा याद कर सकते हैं। एक लाइन में हम कहेंगे कि समानांतर प्लेट संधारित्र वह संधारित्र जिसकी प्लेट समानांतर हो, वह संधारित्र जिसके प्लेट गोलीय हो, वह संधारित्र जिसके प्लेट बेलनाकार हो। इस प्रकार से संधारित्रों को तीन भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं, समानांतर प्लेट संधारित्र, गोलीय संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र। अब पहला हमारा काम होगा समानांतर प्लेट संधारित्र को जानना। समानांतर प्लेट संधारित्र, अंग्रेजी होता है पैरेलल प्लेट कंडेंसर या कैपेसिटर। अब जैसे कि परिभाषा हमने आपको बताया, उस परिभाषा के अकॉर्डिंग अगर इसकी बनावट को बताएंगे तो यहां दो प्लेट की कल्पना करते हैं, जिसमें पहला प्लेट प्लस 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 यानी धनात्मक आवेश यानी प्लस भी को इंडिकेट करेगा, वहीं दूसरा प्लेट इसका माइनस को इंडिकेट करेगा। और हमेशा याद रहे, हालांकि कुछ किताबों में मिसकंसेप्ट दिया है अर्थ कनेक्टेड करने का, लेकिन आप हमेशा माइंडसेट कीजिए कि जब भी अर्थ कनेक्टेड किया जाएगा तो इसके ऋणात्मक प्लेट को ही अर्थ कनेक्टेड किया जाता है, जिसको कहते हैं हिंदी में भूदृत, साधारण भाषा में इसको अर्थिंग कहते हैं। अब यहां इस पर स्थित आवेश अगर प्लस क्यू है और इस पर स्थित आवेश माइनस क्यू है और इनके प्लेटों के बीच की दूरी डी है, तो हम भाषाई रूप में इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि माना कि दो समानांतर प्लेट यहां चालक प्लेट लिखेंगे तो और बेहतर, समानांतर चालक प्लेट जिन पर स्थित आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू इनके बीच की दूरी डी। अब हमें यहां ये ज्ञात करना है, विद्युत धारिता अगर प्लेट का निकालना होगा तो विद्युत धारिता निकालने के लिए सबसे पहले हमें विद्युत धारिता का नियम जानना होगा, विद्युत धारिता। तो विद्युत धारिता C बराबर होता है Q by V, मतलब धारिता बराबर आवेश बटा विभवांतर। तो अगर इस समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी हो तो इस स्थिति में कैपेसिटी इसका निकालने के लिए चार्ज चाहिए और विभवांतर चाहिए। तो चार्ज तो इसमें दिया हुआ है, परंतु विभवांतर कैसे ज्ञात करेंगे, ये यक्ष प्रश्न हमारे सामने है।